क्लास कैजुअल 29 सितंबर से हमारी प्री रिजल्ट क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज ओरिएंटेशन है, कल चेहलुम की वजह से ऑफ है, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन हम एक दिन पहले लेके आए थे। तो परसों से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। परसों पहली पहली क्लास, हर टीचर की अपनी ओरिएंटेशन होगी, वो अपने सब्जेक्ट के डायनेमिक्स बताएगा, चीजों को एक्सप्लेन करेगा। तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स के डायनेमिक बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट हैं, किस तरह से हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं इसमें, इसके आईकेप की सिलेबस आउटलाइन क्या है, उनका पैटर्न क्या होगा चीजों को लेके चलने का। इसी तरह से हमारे यहाँ जो पोस्ट रिजल्ट क्लास स्टार्ट होंगी वो 22 नवंबर टेंटेटिव डेट है, लेकिन कई दफा क्या होता है कि आईकेप का रिजल्ट थोड़ा सा अर्ली आ जाता है, तो हम विद इन 1 वीक ऑफ रिजल्ट, या यूं समझे आफ्टर 1 वीक ऑफ रिजल्ट हम कर लेते हैं। अगर मैं पूरा लिखूं तो अल्लाह खैर करे, आफ्टर 1 वीक ऑफ रिजल्ट। तो इस वक्त टेंटेटिवली हमने जो डेट दी हुई है दैट इज 22 नवंबर, लेकिन अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो उसके 1 हफ्ते बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती है पोस्ट रिजल्ट वाली। और कैफ का टेस्ट सेशन भी उसी से शुरू हो रहा होगा। ये वो टेस्ट सेशन है जिसमें 10 रेगुलर टेस्ट होंगे और 2 मिड और मॉक हैं। उसके अलावा 3 ऐसे टेस्ट हैं जो कि रिजल्ट से पहले पहले आपसे लिए जा रहे होंगे, इसको हम क्लास टेस्ट कहेंगे। तो ये इसमें स्पेशलिस्ट टीम मौजूद होगी जो साथ साथ उसको कंडक्ट कर रही होगी। दिस इज द मेन शीट जो आपके लिए काम की चीज है कि हमारा टाइम टेबल क्या है। अल्लाह का शुक्र, एक बड़ा कंप्रिहेंसिव टाइम टेबल जिसमें हर सब्जेक्ट के आगे कौन कौन से टीचर किस किस टाइम पे उनकी क्लास है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने 2-3 कम्बिनेशन 3-4 कम्बिनेशन जो बना रहे होते हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। दिस इज द टाइम टेबल, और इसमें जो टाइम दिया हुआ है ये फिर थ्रू आउट सेशन यही टाइम रहता है। तो आप आज देख लें कि आप एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, आप अपने फिजिकल कॉलेज के साथ एक आध सब्जेक्ट हमारा लेना चाह रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट हमारे लेना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपको जैसे सहूलत हो। तो ये टाइम टेबल है, इसकी स्नैपशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के आगे पोस्ट लिखा हुआ है। होता ये है कि लोग अभी से ही माइंड बना रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने प्री में पढ़ने हैं और फिर रिजल्ट आने के बाद फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमने पोस्ट के सब्जेक्ट्स भी साथ हाईलाइट कर दिए हैं अभी से ही कि पोस्ट में वो सब्जेक्ट किस किस तरह से होगा। कुछ जगह भी हमने पोस्ट हाईलाइट नहीं की, जैसे टैक्स और सीएमए में, क्योंकि उसमें हम उस वक्त टाइम को देख के और जरा एक बेहतर टाइम टाइम स्लॉट पे काम करेंगे कि वो अवेलेबल हो सके। तो जो पोस्ट रिजल्ट है वो लेफ्ट पे लिखा हुआ है, वो 1 वीक आफ्टर रिजल्ट इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही होंगी। तो ये बेसिकली ये पैटर्न है। और यहाँ पे अगर मैं ₹9,000 लिख देता हूँ और टिल 3rd अक्टूबर लिख देता हूँ, तो मेरे ख्याल में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई। मेरे ख्याल में एक और चीज भी अगर लिख दूं तो शायद इस स्लाइड से हमें आगे जाने की जरूरत ना हो, वो नंबर होता है। वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है, वो नंबर यहाँ कहीं इससे पहले आगे पीछे नजर भी आ रहा था, वो यहाँ पे है।